फटाफट अंदाज में। नागरिकता संशोधन कानून पर हिंसा से तनाव में दिल्ली, रात तक रहे टकराव के बीच पुलिस हेडक्वार्टर पर जेएनयू और जामिया के छात्रों का हुड़दंग, 50 छात्र छोड़े भी। इजाकदनी से आज अलर्ट पर दिल्ली, जामिया नगर समेत कई इलाकों में आज बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल। शनिवार को जामिया में हुई हिंसा की, जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट संगठन जेएमआई ने हिंसा की निंदा की है। जेएमआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर यह कहा कि उन्होंने शनिवार को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। जामिया में हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस के एक्शन पर राजनीति भी अब शुरू हो गई। हैदराबाद से सांसद और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जांच की मांग की है, तो आम आदमी पार्टी ने भी न्यायिक जांच की मांग की। जामिया में हुई हिंसा पर केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। हिंसा के पीछे कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खां को बताया। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंसा की निंदा की है। केजरीवाल ने ट्वीट करके ये कहा कि हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शनकारियों से केजरीवाल ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अपील की है। एक तरफ जहां देश में राज्यों के मुख्यमंत्री लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक ऐसी तस्वीर ट्वीट की जिससे कुछ भी साबित नहीं होता। हालांकि ट्वीट करने के अंदाज से जरूर लगता है कि वो आगजनी के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जामिया के छात्रों के समर्थन में जेएनयू के छात्र भी सड़क पर उतर आए। जेएनयू के छात्र दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए दिखाई पड़े। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जेएनयू छात्रों की गुंडागर्दी भी देखने को मिली। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने ये प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा। आग किसने लगाई, पूछने पर गुंडागर्दी। पुलिस हेडक्वार्टर पर जी मीडिया के रिपोर्टर और कैमरामैन से जेएनयू के छात्रों की बदसलूकी, कैमरा माइक छीनने की भी कोशिश। सिटीजनशिप कानून के खिलाफ यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी विरोध प्रदर्शन दिखाई पड़ा। सीएए के विरोध में छात्रों ने कैंपस में जमकर हंगामा किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एएमयू को 5 जनवरी तक बंद किया। एएमयू में कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। डीएम ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है और कड़ी चेतावनी भी जारी की है। नागरिक संशोधन कानून को लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद लखनऊ में मौजूद नदवा कॉलेज के छात्रों ने भी जमकर सड़क पर उतरकर हंगामा किया। छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को कॉलेज कैंपस के भीतर किया। हालांकि पुलिस की सतर्कता की वजह से छात्र किसी भी तरीके की तोड़फोड़ नहीं कर पाए। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट कर आम लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। नागरिकता कानून के खिलाफ असम में हंगामे के बीच रविवार को सर्बानंद सोनोवाल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उनकी सरकार असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर देश में बेहद गलत संदेश जा रहा है। कुछ लोग इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। हम पहले इस कानून पर कोर्ट का रुख देखेंगे, उसके बाद ही इसे लागू करने या नहीं करने पर फैसला करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में हो रहे विरोध के बाद बीजेपी ने बड़ा फैसला किया। बीजेपी कार्यकर्ता पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुनेंगे लोगों की समस्याएं। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी जनसुनवाई। उच्च शिक्षा विभाग के कॉन्क्लेव में भी शामिल होने का है कार्यक्रम। भीलवाड़ा में नगर परिषद सभागार में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आईएमए सुकन्या शिक्षा एवं स्वास्थ्य योजना का चेक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि आज के युवा और बच्चों में ड्रग्स, हथियारों और सेक्सुअल वायलेंस बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंताजनक है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर निवास पर जनसुनवाई की, लोगों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। अभिनेत्री पायल रोहतगी को बूंदी पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है। नेहरू पर विवादित टिप्पणी करने के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था। बूंदी एसपी ने कहा आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा का पीछा कर उसका अपहरण करने के प्रयास और अश्लील पंक्तियां कसने के एक मामले में मलसीसर उपखंड कार्यालय में काम करने वाले बाबू और सहायक को गिरफ्तार कर लिया।
बारा के अंत में मिर्जा कॉलोनी में एक 22 वर्षीय युवक ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सवेरे जब उसका छोटा भाई उसे चाय पिलाने के लिए पहुंचा तब महावीर फंदे पर लटका हुआ पाया गया। ब्यावर के गायत्री नगर अजमेर रोड क्षेत्र में एक युवक ने अवसाद के चलते 3 मंजिला इमारत से कूद कर जान देने का प्रयास किया। परिजनों ने गंभीर अवस्था में उसे उपचार के लिए AKH लाकर भर्ती करवा दिया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में देर रात चोरों ने एक चाय की दुकान का ताला तोड़कर गल्ले में रखे हजारों रुपए पार कर दिए। अलवर में गोवंशों को कत्ल खाने ले जा रहे गो तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज गोवंशों को मुक्त करवाया। एक गो तस्कर गिरफ्तार। गो तस्कर अनीस के खिलाफ पहले से ही 3 मुकदमे दर्ज है। चूरू के सादुलपुर में भीषण सड़क हादसा पेश आया। 4 की मौत, 6 लोग हुए घायल। 2 कारों पर एक बेकाबू गैस टैंकर पलट गया था। अजमेर के नया बाजार बियासत मोहल्ले में जर्जर भवन पर काम करने के दौरान 3 मजदूर घायल हो गए। मजदूरों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल जर्जर भवन को नीचे गिराने का प्रयास किया जा रहा था। बांसवाड़ा में एक घर की रेलिंग गिरी, हादसे में 7 लोग हुए घायल। हादसे में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों का MG अस्पताल में इलाज जारी। कोटा के आवली रोजड़ी में बुजुर्ग की मौत के मामले ने तूल पकड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने रावत भाटा रोड पर लगाया था जाम। मुआवजे की मांग को लेकर किया था रोड जाम। रवि पुष्य नक्षत्र पर मोती डोंगरी गणेश मंदिर में पंचामृत अभिषेक हुआ। भक्तों ने गणपति स्त्रोत, गणपति अष्टोत्तर शत और नामावली पाठों का पाठ किया। भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। केंद्रीय मंत्री शेखावत हिंदू विस्थापित संस्थान के कार्यक्रम में हुए शामिल। पाक विस्थापितों ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। जयपुर समेत प्रदेश की मंडियों में इन दिनों सीजनेबल फ्रूट्स की बहार है। कीमतें भी आम उपभोक्ता के बजट में है। सबसे खास बात यह कि प्याज से सस्ते फल हैं। अमरूद, संतरा, किन्नू, अनार, सेब, पपीता और भी तमाम फल इसमें शामिल हैं। अजमेर जिला बार एसोसिएशन की तरफ से HN सक्सेना मेमोरियल क्रिकेट कप का खिताब जयपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 3 विकेट से जीत लिया। मैच की शुरुआत जी मीडिया के CEO और जी रासान चैनल हेड पुरुषोत्तम वैष्णव ने टॉस कर क्रिकेट खेलते हुए की। और कोर्ट जज GR मूलचंदानी भी यहां पर मौजूद रहे, बच्चों को पुरस्कृत किया। प्रदेश के 30 निर्यातक उद्यमियों को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार के लिए प्रदेश के 30 निर्यातकों को पुरस्कृत करने के लिए चयन किया गया है। निर्यात पुरस्कारों का चयन निर्यात टर्न ओवर और निर्यात ग्रोथ के आधार पर किया गया। बारा के खेलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष शपथ समारोह कार्यालय का उद्घाटन रखा गया। सभी अतिथियों का तिलक अक्षत के साथ बैज लगाकर बुके देकर स्वागत किया गया। आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के मकसद से सेव अर्थ और क्लीन उदयपुर का संदेश देने के लिए लेक सिटी साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। जी रासान और नगर निगम समेत अन्य सहयोगियों के साझे में आयोजित हुए साइक्लोथॉन में खासा उत्साह देखने को मिला। बाड़मेर के बॉर्डर इलाके में बारिश की तरह टिड्डी ने अटैक कर दिया, जिसके चलते रबी की पूरी फसल नष्ट हो गई। जालौर के आहूर खंड क्षेत्र में हरजी गांव में एक पशुओं के बाड़े पर विद्युत तार टूटकर गिरने से 2 गाय करंट की चपेट में आ गई, जिनमें दोनों गायों की मौके पर ही मौत हो गई। डूंगरपुर के पुलिस लाइन मैदान में श्री जैन नवयुवक मंडल की तरफ से जैन प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आगाज। बांसवाड़ा में लकड़ी तस्कर इन दिनों सक्रिय नजर आ रहे हैं। दानपुर वन क्षेत्र के खजूरी जंगल में पिछले कई महीनों से लकड़ी तस्कर धड़ल्ले से हरे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। विभाग ने कार्रवाई अभी तक नहीं की। प्रतापगढ़ के मुंगाना में आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भक्तामर शिविर के समापन पर आचार्य विमद सागर के 22वें दीक्षा दिवस महोत्सव पर गाजे बाजे से नगर में जुलूस निकाला गया। अजमेर के भजनगंज इलाके में 5 फीट का सांप निकलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना फॉरेस्ट विभाग को दी गई। फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद लाठियों से सांप पर काबू पाया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सेकेटरी और दातारामगढ़ के पूर्व विधायक अमरराम बीकानेर दौरे पर रहे। नागरिक संशोधन बिल के विरोध में माकपा के
देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी को लेकर पदाधिकारियों के साथ की बैठक। चूरू में पर्यावरण संरक्षण, फिट इंडिया मूवमेंट और सेफ इंडिया फॉर वुमेन के संदेश को लेकर नेहरू युवा केंद्र और चूरू साइकिल क्लब की तरफ से जिला कलेक्ट्रेट पर दिशा साइकिल रैली का किया गया आयोजन। करसाना में ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाले एक युवक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए रुपयों से भरा एक पर्स मालिक को लौटा दिया। आपको बता दें कि मोबाइल शॉप पर काम करने वाले विजय ग्रोवर का पर्स गिर गया था। करसाना विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल न्यायालय परिसर नई मंडी करसाना में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हेतराम मुंड ने अध्यक्षता की। सीकर के कई इलाकों में घनघोर कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी बिल्कुल कम रही। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के मुताबिक तापमान 5.9 डिग्री दर्ज किया गया। सर्दी के साथ कोहरे का असर कोटा में भी देखने को मिल रहा है। कोटा में घना कोहरा नजर आया, सड़कों पर लोग वाहनों की लाइट जलाकर चलते हुए नजर आए। बीकानेर में घने कोहरे ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, हाईवे पर विजिबिलिटी 5 मीटर तक पहुंच गई। सिरोही के हिल स्टेशन माउंट आबू में इन दिनों हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, पारा नीचे की ओर लुढ़कता चला जा रहा है। दूसरी तरफ शीतलहर भी लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। चूरू जिले में कोहरे ने एक बार फिर से दस्तक दी, सुबह से ही जबरदस्त कोहरा छाया रहा, शीतलहर के कारण ठिठुरन बढ़ गई, लोग घरों में दुबकने को मजबूर। बर्फबारी के चलते हाईवे पर कोहरे की चादर देखने को मिली, कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, वाहनों की लाइट जलाकर वाहन चालक चलाते हुए नजर आए। जालौर में सर्दी बढ़ने के साथ ही लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जालौर में लोगों के लिए सर्दी में रात गुजारने के लिए नगर परिषद जालौर ने विश्राम गृह शहर में संचालित किए हैं। बौली में वाल्मीकि मोहल्ले में देवस्थान पर सड़क न बनने से लोगों में रोष है। नवनिर्मित सड़क के पास गली में समाज का देवस्थान है और गंदगी के चलते समाज के लोगों ने छोटी सी गली पर भी नवीन सड़क बनाने की मांग की है। कोटा के राजकीय महाविद्यालय में 16वीं कोटा विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालयी पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में बूंदी, बारा, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर समेत अलग अलग कॉलेजेस की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र में लंबे वक्त से रिक्त चल रहे उप अधीक्षक के पद पर पुलिस उपाधीक्षक पर्वत सिंह ने पदभार संभाल लिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बीकानेर महापौर सुशीला कंवर ने सड़कों पर सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। आवर फॉर नेशन टीम की ओर से सफाई कार्यक्रम रखा गया। झुंझुनू के चुड़ावा में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उपखंड प्रशासन के सहयोग से जागरूकता सेवा समिति के सौजन्य से स्वास्थ्य जागरूकता मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले में कई थानों में सीएलजी सदस्यों ने महिलाओं की भागीदारी नहीं होने की वजह से दुख जाहिर किया है। जहां पर भी हैं वहां पर महज एक या दो सदस्य ही हैं, ऐसे में थानों तक महिलाओं की समस्याएं नहीं पहुंच पाती। बांसवाड़ा के उदयपुर मार्ग पर जनजाति प्रतिभावान बालक आश्रम छात्रावास के छात्रों को इन दिनों सर्दी में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों को अब तक सीजन पूरा होने को है, विभाग ने ड्रेस और स्वेटर उपलब्ध नहीं कर पाए। झुंझुनू जिले के हर स्कूल से एक महिला शारीरिक शिक्षिका को 10 दिन का गैर आवासीय प्रशिक्षण देना शुरू किया गया है। पूरे जिले में 989 महिला टीचर प्रशिक्षण ले रही हैं। टीचर बालिकाओं को सिखाएंगी। बीकानेर बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित खेल सप्ताह का शुभारंभ हुआ। खेल सप्ताह के तहत क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीम हिस्सा ले रही है। सिरोही के बरलूट पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा पोस्ट से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी से पुलिस ने एक पिस्तल और एक जिंदा कारतूस के साथ कई फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद किए हैं। जयपुर के जालसू कस्बे में नया बाजार में जल संवर्धन समिति के बैनर तले किसानों की एक बैठक रखी गई। समिति के लोगों ने यमुना की नदी को बांडी नदी से जोड़ने की मांग को लेकर जुलूस जालसू नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
डावर में पिसांगन थाना क्षेत्र के अलीपुरा गांव में घर के बाहर खेल रहे एक मासूम को टेम्पो चालक ने अपनी चपेट में ले लिया। मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय लेकर उसे पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। लाडू में राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामदेव साधु ने जनरल वार्ड, शौचालय और लेबर रूम के अलावा डॉक्टर चैंबर और रजिस्टर चेक कर निरीक्षण किया। सीकर के लोकसल इलाके के भीमा जाना मंगरासी गुमानपुरा गांव में गुरुवार को ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा लेने के लिए सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती पहुंचे। खाडूश्यामजी में काठमांडू नेपाल में आयोजित साउथ एशियन गेम्स 2019 में स्वर्ण पदक विजेता बनी राजस्थान पुलिस की महिला खिलाड़ी ममता ढाका का खाडूश्यामजी पहुंचने पर स्वागत किया गया। झुंझुनू के डुंडोद पब्लिक स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जिला स्तरीय विधिक सहायता शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ जिला जज ने किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय शीशराम ओला की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। तमाम पार्टियों के लोग पहुंचे। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी संस्था की जयपुर शाखा की तरफ से विमर्श 2019 कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। शंकर कॉलोनी के नागरिकों ने सामान्य दर विद्युत कनेक्शन की मांग को लेकर आंदोलन अपना जारी रखा है। धरना स्थल पर दो महिलाओं समेत चार लोगों का अनशन लगातार जारी। संयुक्त राष्ट्र ने यह माना पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदू और ईसाई समुदाय सबसे ज्यादा खतरे में हैं। इन दोनों समुदायों की महिलाओं और बच्चियों को अगवा कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। झारखंड में चौथे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी। 15 विधानसभा सीट पर मतदान लगातार डाले जा रहे हैं वोट। मुख्य सीट है देवघर, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और चरिया। चौथे चरण में 47,85,000 वोटर 220 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब प्री बजट मीटिंग की तैयारी की जा रही है। 1 फरवरी 2020 को पेश होने वाले आम बजट के लिए आज से प्री बजट बैठक शुरू हो रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। तीन पार्टियों की मिलीजुली सरकार का यह पहला विधानसभा सत्र होगा। बीजेपी सावरकर और किसानों के मुद्दे को लेकर आक्रामक है। ऐसे में सावरकर को लेकर सरकार को भी इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं जो कि उन पर भारी पड़ सकता है। भारत बचाओ रैली में वीर सावरकर के देशभक्ति पर उठाए गए सवाल को लेकर राहुल गांधी अब घिर गए। शनिवार को बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस के नेताओं को जग कर सोने की एक्टिंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी को याद दिलाया कि दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर को धरती पुत्र कहा था। दिल्ली के 30,000 कोर्ट परिसर में वकीलों और पुलिस वालों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस वालों के धरने के मामले में भी अदालत में सुनवाई होगी। अमरपाली के खिलाफ दायर निवेशकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में अदालत ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को आदेश दिया था कि वो अमरपाली के 8 अधूरे प्रोजेक्ट के निर्माण का काम पूरा करे। मुंबई के आरे फॉरेस्ट में पेड़ों को काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछले 21 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह साफ कर दिया था कि अदालत ने पेड़ों को काटने पर रोक लगाई है। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में अदालत ने पराली जलाने पर प्रतिबंध के उसके आदेश के बावजूद पंजाब में इसे जलाए जाने के मामले में गंभीरता से संज्ञान लिया था और कहा था कि दिल्ली के लोगों को प्रदूषण की वजह से मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। IRCTC टेंडर घोटाला मामले में तेजस्वी यादव की अर्जी पर आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। तेजस्वी ने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अर्जी लगाई है। उन्नाव कांड से जुड़े दुष्कर्म के मामले में 30,000 कोर्ट आज अपने फैसले की तारीख तय कर सकता है। बीजेपी से निष्कासित उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और महिला शशि सिंह पर आरोप है। पिछले 4 दिन से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने से शहर में फंसे यात्रियों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। ऊपर से शीतलहर का प्रकोप भी लोगों को बेहाल कर रहा है। रविवार दिन भर यात्री रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। ऋषिकेश में बर्फबारी की वजह से रात 2 बजे से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे धारी देवी के पास बंद पड़ा हुआ रहा। हाईवे पर 8 घंटों बाद बमुश्किल आवाजाही शुरू हो पाई।
रेलवे ने कोहरे की आशंकाओं को देखते हुए आज से लेकर 31 जनवरी तक 66 ट्रेन कैंसिल कर दी हैं। कई ट्रेनों के फेरे में कटौती भी की गई है। रद्द की गई ट्रेनों में उत्तर रेलवे की जनता एक्सप्रेस, बरेली प्रयाग एक्सप्रेस, बरेली वाराणसी एक्सप्रेस, आगरा इंटरसिटी और फैजाबाद कानपुर अनवरगंज एक्सप्रेस की शामिल। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख बी एस धनोवा ने यह कहा है कि बालाकोट हवाई हमला पाकिस्तान को यह बताने के लिए था कि भारत में किसी भी आतंकवादी हमले की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। क्रिसमस की छुट्टियों के पहले ही शिरडी में बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो गई। शनिवार को ही 50,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन किए, जबकि रविवार को सुबह 4 बजे दोपहर के 12 बजे तक ये आंकड़ा पार हो गया था। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक आज से बैंक ग्राहकों को किसी भी दिन और किसी भी समय एनईएफटी के जरिए एक से दूसरे खाते में पैसे भेजने की सुविधा मिल रही है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में यह कहा था कि 16 दिसंबर से बैंक अपने उपभोक्ताओं को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि एनईएफटी की सुविधा 24 घंटे दे। अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करने के लिए अब आपको एक सप्ताह के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए नियमों के मुताबिक ये प्रक्रिया अब पहले से आसान हो गई। मध्य प्रदेश के मंडला में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिले के 5 जनपदों की महिला क्रिकेट टीम ने इसमें हिस्सा लिया। गाजियाबाद के 16 साल के एक लड़के ने मुंबई पुलिस को ईमेल भेजकर सलमान खान के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी। ये ईमेल 4 दिसंबर को भेजा गया था। इस ईमेल के मिलते ही पुलिस ने सलमान के पूरे घर की तलाशी ली। पुलिस ने लड़के को गाजियाबाद में सरेंडर करने को कहा, नोटिस भेजा और उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने के बाद बरी कर दिया। जमैका की टूनी एंड सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब जीत लिया। भारत का प्रतिनिधित्व कर रही राजस्थान की रहने वाली सुमन राव तीसरे नंबर पर रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर महाभियोग चलाए जाने को गलत बताया है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उनके नेतृत्व में देश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। रूस के एकमात्र विमान वाहक जहाज एडमिरल कुदनेत्सोव मॉस्को में मौजूद मूरमांस के आर्कटिक सागर बंदरगाह में मरम्मत के दौरान उसमें आग लग गई। उत्तर कोरिया ने अपने सोहे स्पेस सेंटर से दूसरा अहम टेस्ट किया। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने देश की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के प्रवक्ता के हवाले से यह बताया कि यह टेस्ट बीते 13 दिसंबर को रात 10:41 से 10:48 के बीच किया गया। इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में शाउटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें हिस्सा लेने वाली अधिकतर महिलाएं गृहिणियां थी। सभी 3 विषयों में से किसी एक को चुन सकती थी। स्लोवाकिया में अपनी आगामी फिल्म चेहरे की शूटिंग कर रहे अमिताभ बच्चन सर्दी से परेशान हो रहे हैं। अमिताभ ने ट्विटर पर भारी बर्फ के बीच गर्म कपड़े पहने अपनी एक फोटो शेयर की है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की जिंदगी पर भी फिल्म बनने जा रही है। गो गोवा बॉलीवुड प्रोडक्शन ने परिकर के बेटे उत्पल से बातचीत करके उनकी जिंदगी पर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल किए हैं। बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर एक्टर डैनी एलो का निधन हो गया। डैनी 86 साल के थे। पिछले कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे। कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाकर उन्हें काफी कामयाबी मिली। एक टॉक शो में पहुंचे रणवीर सिंह ने पिता बनने की इच्छा जाहिर की है। रणवीर ने यह कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे भी बच्चे हों, मैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला इस बुलेटिन में बस यहीं तक, लेकिन अगर कोई खबर छूट गई हो आप नहीं देख पाए तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट के जरिए। हमारे तमाम लाइव शोज भी आप देख सकते हैं। आपको लॉग इन करनी है हमारी वेबसाइट www.zrajasthan.com।